तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बात करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन माही के किरदार के बारे में कोई उंगली उठाए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हॉस्पिटल आना था मैंने तुमसे मिलने, फिर अनाबिया ने बताया कि तुम डिस्चार्ज हो गए हो। काश ना हुआ होता, इस बहाने हमारी मुलाकात ही हो जाती। कि अगर तुम यहाँ होते तो तुम मेरे साथ उससे मिलने जाना चाहते, तुम मुझे कहते चलो उसका पूछते हैं जाके, क्योंकि तुम वही इंसान हो जो उस दिन मुझे कह रहा था कि उसके अब्बू की ताजियत के लिए चलते। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। जबान को लगाम देने से बेहतर है तुम अपनी बहू बेटियों को काबू में रखो। अरे हम तो उस मानूस भेड़ी को कोस रहे हैं जो तुम्हारे खानदान में रिश्ता तय किया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने शादी से पहले तुम्हारी असलियत हम पर खोल दी। तो पानी लाओ सर, चल के पानी लाओ। सर बस कर दो, कोई बस कर दो, बस कर दो। जिल्लत हमने उठाई है, खुदा की पनाह पुलिस में पर्चे तक कटे हुए। Sorry, he's no more. सर, है तो जब ताज हमको हॉस्पिटल ले जाते नहीं तो छूट चले तो मुझे कहते थे बहादुर बनो, पर इस पुतल से सामना करो हर चीज का, वो खुद कैसे कमजोर पड़ गया। ये कैसे हुआ साथ? सर्वर अंकल तो बिल्कुल ठीक थे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। Thank you.
अपना हैमर विद योर हैमर। अपने मामा का आखिरी दीदार करना फिर ना फिर उन्हें लेकर जा रहे मैं कभी नहीं देख पाऊंगी अपने मामा को। एंडी ने इसमें कहा वेट बस भाई 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 नहीं लेके जाए पापा को भाई है। इनका बेटा 2 दिन थाने में बंद रहकर आया है। कत्ल का मुकदमा हो गया था, अब पता नहीं बहन का आशिक था या बीवी का। साथ तो जान लेने लग गया था उसकी। अब समझ गई मैं, यही सदमा उनकी जान ले गया है। अल्लाह बचाए ऐसी बहू बेटियों से। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। हौसला करो माहिर, इनके लिए दुआ करो। इसे हौसला करो यार। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। खबरदार
खबरदार माहिर, जो तुमने एक भी आंसू बहाया है। तुम जानती हो पापा किसकी वजह से गए? तुम्हारी वजह से। तुम कातिल हो मेरे बाप की। क्यों फिर तुम बोलना बंद करो। आप बीच में नहीं आएंगे। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। तुम जागेंगे भाई अब। फिर बात। छोड़े बजे। आज मैं बोलूंगी और आज आपको सुनना पड़ेगा। देखिए मुझे, यतीम हो गई हूं मैं। बाप का साया मेरे सर से उठ गया है। वापस चले गए भाई। आपको समझ में क्यों नहीं आता? आपको नजर नहीं आता कुछ? जो पट्टी अपने आपकी आंखों पे बांधी हुई है, खुदा के लिए उसे उतार दे। आपको क्यों नहीं दिखता है कुछ? क्यों पागल पड़े? साहब का वक्त आ गया। अरे इसके जाने का वक्त क्यों नहीं आ जाता? ये क्यों नहीं मर जाती? इसको मौत क्यों नहीं आ जाती? छोड़ना मुझे, तू जाओ आपके साथ में। मरना तो इसको चाहिए ना? यो, क्या पागल बन? क्यों हमारे सर में खाक डालने पे तुली हो? चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? क्यों चुप कर जाऊं मैं? सुनना चाहिए ना सबको, सबके सामने इसकी असलियत खुलनी चाहिए। बर्बाद कर दिया है हमको। आपको चाचा जान नजर नहीं आते, आपको नजर नहीं आते। क्या हालत कर दी है उनकी? किस नौबत तक पहुंचा दिया है उनको? आज बाबा चले गए भाई, बाबा मर गए, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। खुदा के लिए नीलू, मुझे चुप कर जाओ। नीलो, तुम्हारे बाबा को बहुत तकलीफ हो रही होगी। चुप करो खुदा के वास्ते। नीलो, ऐसे इल्जाम मत लगाओ मुझ पे कि मैं अपने आप से नजरें ना मिला सकूं। प्लीज चुप कर जाओ। इतनी खैरत होती ना तुम्हारे अंदर माहिर, तो हम इस नौबत तक नहीं पहुंचते। तुम्हें तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जब पहली दफा इस घर की इज्जत ही नाम हुई थी। नहीं चलूंगी मैं। कहें कि उसे जाए, मैं सही बता रही हूँ। इसे कहें यहाँ से जाए, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकती। मेरी बात सुनो। खुद को बोले यहाँ से जाए। मेरी बात आपको नहीं। मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं बता रही हूँ। अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? उठो यार, हम सब तुम्हारी वजह से लेट हो रहे हैं। यार फहा, मेरा कोई मूड नहीं है जाने का ऑनेस्टली। प्लीज किसी और दिन का प्लान कर लो। तुम ना बहुत ही सेल्फिश हो। तुम्हें पता है आज मेरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और मैंने टॉप किया। अब बजाय तुम मुझे ट्रीट दो, मुमानी जान मुझे ट्रीट दे रही है। पर चलो, आई एम ओके विद दैट प्लान। अब एटलीस्ट ये तो खराब नहीं करो। उठो ना, उठो जल्दी करो। ये मैं लेके जा रही हूँ और मैं 5 मिनट बाद आके चेक करूंगी कि तुम उठे हो या नहीं। जी साइको पेशेंट है तुम्हारी कजन। ये कोई वक्त था इससे बात करने का? तमाशा लगा कर रख दिया इसने। उसके अब्बा का इंतकाल हुआ है। आयजन दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते, इसीलिए यह हाल है उसका। तो तुम्हें दुख नहीं है उनके जाने का, या तुम्हें भी लगता है कि तुम जिम्मेदार हो? मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से बाबा पैरलाइज हो गए हैं।
साथ को जेल जाना पड़ा, नीलो का रिश्ता टूट गया और ताया जान छोड़ के ही चले गए हम। तुम से मैं डाउट नहीं हूँ माहे, ये सब खुदा का लिखा है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम कौन होते किसी की मौत के जिम्मेदार होने वाले। नीलो ठीक है अब? क्या कहा डॉक्टर ने, खतरे की बात तो नहीं है कोई? ठीक है, फिक्र की कोई बात, उससे ज्यादा तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। चेहरा देखा अपना, जर्द हो रहा है बिल्कुल। पता नहीं किस मिट्टी से बनी है, पूरी दुनिया की फिक्र होती है उससे सिवाय अपनी। नीलो के पीछे अलकान कर रही है अपने आप को, नीलो की तो वैसे ही आदत है तमाशा करने की। ज़रा प्लीज नोट दिस डाउन, मुझे फॉरन जो अवेलेबिलिटी है फ्लाइट टू लंदन दिस वीक। जी साद, नीलो कैसी है? ठीक है। चाय चना चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए? प्लीज मेरे पास बैठो थोड़ी देर। क्या होती है जिंदगी यार, एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। कल अब वो इस वक्त हमारे साथ थे और आज ताशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बेशक वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी दुआएं हमेशा उनके बच्चों के साथ होंगी। हमारी यादों में, हमारी बातों में उनका तस्करा कभी खत्म नहीं होगा। कहते हैं जब बेटा जवान हो जाता है तो बाप का सहारा बनता है, नहीं तो कमर ही टूटो। ऐसा लग रहा है कि सर पे आसमान नहीं है और पैरों के नीचे जमीन नहीं है, खत्म हो चुकी। तुम क्यों इतने आपको अकेला समझ रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा माहिर, मैं अब चलती हूँ, काफी रात हो गई है। दीदी अभी रात को अकेले जाओगी? मैं छोड़ा था। नीलो, देखो मुझे पता है तुम मुझसे बैंक करो यार, ये तुम झूठी हमदर्दी है ना तुम्हारी माहिर, ये जाके भाई को दिखाओ और बेवकूफ उनको बनाओ, मुझे नहीं।
मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वो जो है अपना डेकोरेशन वाला, उसे तुम फोन करके उसे कह देना कि कल 7 बजे हमें सब कुछ तैयार चाहिए, ठीक है? ख्याल से साथ क्या कर रहे हो? कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अब और हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की। मैं आपको संभालू बेटा, जितना अभी तक यकीन नहीं आता तुम्हारा पूछ लेगा तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा, लोग मेरे सहारा बेटा। तुम ठीक हो नीरा? क्या हाल कर लिया इसने? संभालो खुद को, तुमने और मैंने मिलके एमडी को संभाल लिया, हिम्मत करो। क्या सोच रहा हूँ? नीलो के बारे में सोच रहा हूँ। एंड आई बहुत अपसेट है वो। वो तो अपसेट है ही, उसकी वजह से अम्मी बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सानिया गुजरा है सब पर,
वक्त तो लगेगा सब में से निकलने में। हम तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अम्मी में नीलू में इतनी बर्दाश्त नहीं है। सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। दुआ करना यार मेरे लिए प्लीज। अल्लाह हम सबको सब्र दे, जो हौसला दे। परेशान हो हैं तुम, हम सबका हौसला उस आज तुम ही टूटने लगे तो हम तो बिखर जाएंगे। माँ यार चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही फीस से दी। सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे बहुत अहम बात करनी है मुझे बेटा। अब कुछ अहम काम बाकी रहा है अम्मी। अब्बू के साथ सारी अहम बातें, सारी अहम चीजें चली गई। नहीं बेटा, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारे अबू की इज्जत बाकी, उनका नाम बाकी है, उनके बनाए हुए उसूल बाकी है बेटा, बहुत कुछ बाकी। समझ में नहीं आ रहा कि ये मौका मेरे लिए बात करने का या नहीं, लेकिन बेटा जो कुछ कल हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। हमारे अबू के जनाजे पे ये तमाशा नहीं होना चाहिए था बेटा। आज से पहले तमाशे कम लगे हैं क्या? बाहर की बारात ना आना, उस लड़की का वही में आके इतना तमाशा करना, भाई का जेल जाना, पहले के कम तमाशे हुए। शांति, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देखो बेटा, अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते ना तो उन्हें भी ये बात बर्दाश्त ना होती कि उनकी भतीजी को इस तरह से सबके सामने रुसवा किया जाए, उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। उनसे बर्दाश्त न होती ये बात बेटा। जो भी है, माहिर हमारे घर की बच्ची है बेटा, इज्जत है वो हमारे खानदान की। और अगर कोई भी मसला होगा ना बेटा, हम लोग आपस में बैठ के उसे हल कर लेंगे। आइंदा ख्याल रखना बेटा, ऐसी कोई बात ना हो। तुम्हारे अब्बा की बात तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, सिवाय तुम्हारे और साथ के मेरा अब कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं नहीं चाहती बेटा तुम्हारे बाप को तुम्हारे और साथ की वजह से कोई तकलीफ पहुंचे।
कुछ गलत नहीं कह रहा हूं मैं, आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए, स्पेशली ये फहा। तुम्हें फोर्स किया था ना मोम्बो के साथ को अरेस्ट करवाए, हाँ तुम्हारी वजह से सरवर साहब की डेथ हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब है, उन लोगों की वजह से तुम्हारी जान खतरे में आ गई थी और तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि साथ और माहिर का कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। झूठ मत बोलो अरी, माहिर को बचाने के लिए तुमने ये सारी कहानी बुनी है। सिर्फ कोर्ट और पुलिस के चक्रों से बचने के लिए मैंने केस वापस लिया, वरना लोगों को ऐसे मजा चुकाती जिंदगी भर याद। अपने किए पे शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? कॉफी लोगे? Can you pass me the bread, please? Thank you. साउंड को बाबा, दवाई खाई आपने? अम्मी बाबा के लिए पानी लेकर आए। नहीं खाई कोई दवाई मैं। भी नाराज है मुझसे, अब भी मुझे कसूरवार समझ। कसूरवार नहीं, गुनाह किया तुमने। तुम आज भी उन लोगों से मिलते हो जिनकी वजह से तुम्हारे बाप का यह हाल है, जिनकी वजह से मेरा भाई इस दुनिया से चला। इनकी वजह से हम बदनाम हुए, जलील हुए, दुनिया की नजर हुए। कौन सी बदनामी के तौक बनाती है इसने आपके खानदान को? आपने जहां इसकी जबरदस्ती शादी की वहीं घर बसा रही है ना? दिल पे पत्थर रख के आपके भतीजे को कबूल किया ही है इसने। नहीं किया कबूल, नहीं किया, नहीं किया इसने सारे को कबूल। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं बाप, इस घर में सब ठीक है सिवाय मेरे। माहिर, शाबाश, लोगों ने तो दुश्मनी निभाई है मेरी मासूम बच्ची के साथ, आप भी उसे कसूरवार ठहरा रहे। बेटे हैं आपके, कैसे बाप हैं आप? नाविया मैं सच कह रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया था कि अगर माहिर इस डिसीजन के साथ खुश है तो मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, उसके लिए और मुसीबतें नहीं खड़ी करूँगा, लेकिन जो कुछ तुम मुझे बता रही हो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा अरे, लेकिन माहिर को कौन समझाएगा? ये जिस खानदान और इज्जत का इतना ख्याल रख रही है उसी ने तो उसको जलील करके रख दिया है। हर वक्त अपने सफाइयां पेश करती रहती है वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा माहिर ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रही है, छोड़ क्यों नहीं आती उन सबको? कैसे छोड़ सकते हैं, वो उसी मुआशरे में रहती है ना जहाँ माँ बाप रुख्सत करते हुए बेटी को ये बोलते हैं कि अब उस घर से ही तुम्हारा जनाजा निकलेगा। मैं नहीं मानता ऐसे किसी मुआशरे को, मैं माहिर को इस तकलीफ में नहीं देख सकता ना भी, वी हैव टू डू समथिंग। अरे मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन ताये एक हाथ से नहीं बचते। हाँ यार, बस एक दो कंपनीज में दिए थे सीवी को, 10-15 दिन हो गए, आज कॉल आई है, शाम में जाना है, बस दुआ करना यार हो जाए। हाँ बस वही कंपाइल कर रहा हूँ।
नहीं नहीं, वो तो मैं देख लूँगा, बस मुझे पता है अबू की डेथ के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, परेशानी भी बहुत है यार, बस दुआ करना। ओके चल मैं अपडेट करूँगा, बाय बाय। कहाँ रख दिया यार? चाय बना रही हूँ मैं, बना दे। चली जाऊँ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। नीलू देखो, मुझे पता है तुम मुझसे नहीं करो यार, ये तो झूठी हमदर्दी है ना तुम्हारी माहिर। ये जाके भाई को दिखाओ और बेवकूफ उनको बनाओ, मुझे नहीं। माही, माही फिर सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। नहीं तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम्हारा क्या कसूर? देखो यार, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अबू के बाद उसकी जहनी कंडीशन ठीक नहीं है। मैंने और अम्मी ने बहुत समझाया उसको, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। नहीं मैं समझ सकती हूँ, इन वो किस सदमे से गुजर रही। आए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। प्लीज अगर तुम कुछ दिन के लिए नीचे चली जाओ तो आई मीन ताज़ियत के लिए लोग आते हैं, एंड आई जस्ट डोंट वांट के तो किसी के सामने तुमसे बदतमीजी करे, अच्छा नहीं लगे। हाँ ये मैं समझ रही हूँ, चली जाती हूँ, ये कोई मसला नहीं है। इकरार हुआ था, इकरार हुआ।